सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं मनोज दे के बारे में। तो आपको तो पता ही होगा, कुछ दिन पहले मनोज दे ने एक मीटअप इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसको लेके बहुत सारे लोग फेक न्यूज़ फैला रहे। तो इसके बारे में मनोज दे ने क्या बोला, आइए देखते हैं। दिखा रहा हूँ उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप लोगों का वीडियो में व्यूज आ रहा है, और मैंने देखा काफी सारे वीडियो है जिसमें मैं कुछ स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000, 40,000 ऐसे ऐसे व्यूज है। जिनका 200 सब्सक्राइबर था उनका 2,000 सब्सक्राइबर हो गया, जिनका 100 सब्सक्राइबर था उनका 1,000। इसके बाद वो अपना इंस्टाग्राम स्टोरीज में बताया कि वो और एक मीटअप इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं। तो इसके बारे में वो इंस्टाग्राम स्टोरीज में एक पोस्ट डाला। तो दोस्तों, एक इवेंट मैं मार्च या अप्रैल में करने का सोच रहा हूँ, कहाँ करूँ ये बताओ। एंड उसमें फ्री एंट्री रहेगा, टोटल खर्चा मैं करूंगा, एंड अच्छे तरीके से कोई ऑडिटोरियम वगैरह बुक करके जिसमें चेयर वगैरह रहेगा, इस टाइप का। ठीक है, मार्च अप्रैल तक में करना है, एकदम फाइनल है। तो बताओ कहाँ किया जाए। तो चलिए अब अगली अपडेट के बारे में जानते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नसर के साथ ज्वाइन करने के बाद वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में फर्स्ट ट्रेनिंग पोस्ट डाला। तो चलिए आप अगली अपडेट के बारे में जानते हैं। UK07 ने एक न्यू बाइक खरीदा जिसका प्राइस 48 लाख है। तो उन्होंने क्या बोला, आइए देखते हैं। Here we go guys. ₹48 to ₹50 लाख में नई गाड़ी आ जाएगी। H2 guys, इस बाइक को देखने के लिए इतने टाइम से मैं एक्साइटेड था।